नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस एक्वेशन काउंसिल द्वारा क्लियर किए गए कुछ AON के बारे में, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बारे में। तो यहाँ पे ये जो स्टेप होता है, यहाँ पे जो आपके आर्म्ड फोर्सेस होते हैं वो ये बताते हैं डॉक्यूमेंट के थ्रू कि उनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो ये कुछ सिस्टम प्रोक्योर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लमसम 13,500 करोड़ का जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसको अप्रूव किया है DSC ने। इसमें आपका 118 के नंबर में जो अर्जुन MK1 है वो भी इंक्लूड है, जिसको लेके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे 118 अर्जुन MK1 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको 5,800 करोड़ का पड़ेगा, लेकिन अर्जुन के लिए जो अम्बुनेशन है FSA PDS है वो इंक्लूड कर देते हो, प्लस नाग मिसाइल जो कैरियर है यानी कि नेमिका उसको भी क्लियर किया गया है आज ही, जो कि अभी फिलहाल लिमिटेड नंबर में होगा 20 के राउंड। इसी में इंक्लूड किया गया है अरुद्रा को, जो कि मीडियम पावर रेडार है। और यहाँ पे जो FSA PDS राउंड है वो आपके T90 के लिए भी क्लियर किए गए हैं। तो 118 अर्जुन को मिलाकर ये जो पूरे सिस्टम इनको जोड़ देते हो तब ये बैठता है 8,300 करोड़ के अराउंड, जो कि आज टोटल अप्रूव किए गए 13,700 करोड़ में से है। मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि 13,700 करोड़ में से माइनस कर दोगे 8,380 करोड़, फिर भी आपके पास 5,300 करोड़ बचते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपके पास 5,300 करोड़ हैं, इसको लेके ऐसा बताया जा रहा है कि जो लॉन्ग अवेटेड डिमांड थी, जो भी आपके आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है उनको इक्विप करने को लेके काउंटर मेजर प्रोटेक्शन सिस्टम से, तो उनको इक्विप किया जाएगा इस 5,300 करोड़ की हेल्प से। यहाँ पे तकरीबन भारतीय सेना में 3,000 के आसपास जो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है वो ऑपरेट हो रहे हैं, और उन सभी व्हीकल को अपग्रेड किया जाएगा एक्टिव और पैसिव प्रोटेक्शन से, जिसकी जो डिमांड है वो कई सालों से थी। यहाँ पे ये जो आपके 3,000 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल हैं, इसमें आपके टैंक भी इंक्लूड हैं, T90 और अर्जुन भी। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है कि जो आपके T90 हैं उनको सबसे पहले इक्विप किया जाने वाला है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से, यानी कि APS से। 118 अर्जुन Mk1 को लेकर हम सभी जानते हैं कि जो पहले 5 टैंक होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के 30 मंथ में डिलीवर कर दिए जाएंगे, और उसके बाद 30 टैंक पर ईयर डिलीवर करने का प्लान है। यहाँ पे एक और सवाल मैं जल्दी से एड्रेस कर लेता हूँ, जो कि काफ़ी लोगों के सवाल थे कि हम अर्जुन MK1 की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसी प्राइवेट प्लेयर को क्यों नहीं दे देते हैं। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि एक जो अश्योरेंस है, बॉन्ड है, वो दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैवी व्हीकल फैक्ट्री RD को, जिसके जो प्रमुख हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया भी था कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो अश्योरेंस है वो मिला हुआ है कि जो भी नए ऑर्डर आएंगे अर्जुन टैंक के वो वही मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। तो ये जो अश्योरेंस है वो MOD ने उनको दिया हुआ है ताकि वो इनको इंगेज रखेंगे 2027-2028 तक। हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो भी आपके आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल हैं उनके प्रोटेक्शन और काउंटर मेजर को लेके, जिसकी जो डिमांड है वो कई सालों से की जा रही थी, और आज इस पर जो क्लियरेंस है वो आपको देखने को मिला है। ये अपने आप में एक मेजर स्टेप है। आपके आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल की जो क्षमता है उसको इम्प्रूव करेंगे। प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं, स्पेशली जो टैंक होते हैं वो हमारे फोकस में रहेंगे, उसमें हम जोड़ लेंगे जो अदर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल हैं उनके काउंटर मेजर को भी। टैंक की बात करते हो तो टैंक में आपके दो तरह के जो प्रोटेक्शन है वो हो सकते हैं। पहला आपका होता है पैसिव प्रोटेक्शन, जो कि IRA के रूप में दिया जाता है, और इस तरह के जो प्रोटेक्शन होते हैं उसको आप चारों तरफ कर दोगे, मतलब आपके टैंक के हर कोने में, तो जो आपका टैंक का वेट है वो बढ़ जाएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप चुनते हो एक्टिव प्रोटेक्शन को। और कुछ इसी तरह के प्रोटेक्शन की जो डिमांड है वो भारतीय सेना की थी उनके T90 के लिए, वही डिमांड सबसे पहले पूरी की जाएगी कि T90 के लिए जो APS है वो उनको दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज लिमिटेशन भी थी कि अगर आप APS का इस्तेमाल करते हो तो आपके पास जो पावर है वो सफिशिएंट नहीं होती है, तो पावर को बनाए रखने के लिए आपके पास जो ऑक्सिलरी पावर यूनिट है यानी कि APU वो भी शक्तिशाली होना चाहिए, और कुछ वैसा ही APU प्रोक्योर किया जा रहा है आपके T90 के लिए। एक बार जो आपका APU है वो आ जाता है और आपने आज क्लियर कर दिया है APS को, तो आने वाले दिनों में जो भी आपके T90 है उन पे APS को इक्विप करने के लिए जो टेंडर है वो निकाला जाएगा, और जो भी फॉरेन वेंडर है या फिर कोई इंडियन कंपनी है वो इस तरह के सिस्टम पे काम कर रही है तो वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर APS की बात करते हो तो आमतौर पे APS में जो एलिमेंट होते हैं उनका जो प्लेसमेंट होता है आपके टैंक पे, मतलब कौन कौन सी जगहों पे है, वो प्लेसमेंट काफ़ी मुख्य रहता है, क्योंकि आप हर तरह से स्ट्रेटेजिक रूप से जो भी APS के सेंसर है उनको प्लेस भी कर देते हो तो फिर भी जो आपका टैंक है वो टॉप अटैक कैपेबिलिटी से, यानी कि जो ATGM टॉप से आके अटैक करते हैं उनसे वल्नरेबल रहता है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि आपके सेंसर प्लेसमेंट का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो की रहता है APS के ऑपरेशन में। इस तरह के APS के इवेल्युएशन को लेकर बात करते हो तो वो पर्टिकुलर सिस्टम अपने थ्रेट को कितनी जल्दी पकड़ रहा है, प्लस उस थ्रेट को काउंटर करने के लिए जो रिएक्शन टाइम है वो क्या है, ये दो मुख्य ऐसे पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पे आप वेंडर को सेलेक्ट करोगे और उनके सिस्टम को सेलेक्ट करोगे। वैसे और भी पैरामीटर होते हैं जिन पे आप APS की जो क्वालिटी है उसको चेक करते हो, जैसे कि उस पर्टिकुलर APS का इंटरसेप्शन करने का जो मेथड है वो कैसा है, कितना इफेक्टिव है, जैमिंग को मेथड किस तरह से अवॉइड करता है, मतलब दुश्मन ने आपको जैम करना चाहा तो उस चीज़ को ओवरकम कर पाएगा या नहीं। जबकि ये सब चीज़ें करते हुए आपके APS के जो रेंज है वो क्या है, ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करने वाली हैं। इतना ही नहीं, जो आपका APS है वो कितने शॉट फायर कर सकता है, मतलब कितने थ्रेट से आपको एक बार में बचा सकता है, और ये सब चीज़ करते हुए ऐसा ना हो कि वो आपके टैंक पे जो एडिशनल वेट है वो लेके आए या फिर ज़्यादा पावर ले। तो इन सब पैरामीटर पे तौल के APS के यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा।
अब हम यहाँ पे APS में लगे सेंसर की बात करते हैं। तो मुख्यतः APS में दो तरह के सेंसर होते हैं, पहला आपका होता है एक्टिव सेंसर और दूसरा होता है पैसिव सेंसर। अगर एक्टिव सेंसर की बात करते हो तो आमतौर पर रडार होते हैं, एक्टिव रडार जैसे कि आपके मिलीमीटर वेव रडार। इस रडार को लेकर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कई सारे वीडियो में कि इनकी जो रेंज होती है काफी इफेक्टिव होती है, 3 से 5 किलोमीटर तक। यहीं पे एक्टिव सिस्टम में ही जो आपके लाइडर होते हैं वो भी दिए जाते हैं, यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये एक पूरे पर्टिकुलर एरिया को स्कैन करने में और वहाँ पे जो भी थ्रेट है उनको पकड़ने में आपको हेल्प करेंगे। कुछ ऐसा ही काम जो आपका MMWR है वो करेगा। तो ये दोनों ही आपके APS के एक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं जो कि आपके थ्रेट को पकड़ के आपको देंगे। जो सेकंड पार्ट है आपके APS में वो पैसिव सिस्टम है, जैसे कि लेजर वार्निंग रिसीवर, मतलब किसी एडवर्सरी ने आपके टैंक के ऊपर जो लेजर है वो पॉइंट किया हुआ है, जिसके थ्रू अपने प्रोजेक्टाइल को गाइड करेगा आपकी तरफ। तो जैसे ही आपके ऊपर लेजर पॉइंट होगी तो ये जो आपके LWR होंगे वो आपको बता देंगे। इसी तरह से कोई मिसाइल है जो कि UV रे का इस्तेमाल कर रही है गाइड होने के लिए, तो वो चीज पढ़ते ही जो यहाँ पे UV सेंसर दिया गया है वो आपको इन्फॉर्म कर देगा, जो कि काम करता है MWS की तरह ही। तो जैसे ही जो थ्रेट की इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो MWR से आ रही हो, लाइडर से आ रही हो, जो आपका LWR है उससे आ रही हो, UV मिसाइल वार्निंग से आ रही हो, तो इन सभी जगहों से आ रहे इनपुट को कनेक्ट किया जाता है काउंटर मेजर सिस्टम में। मतलब एक बार जो थ्रेट है वो पकड़ा गया तो थ्रेट को कैसे काउंटर करना है, जो भी आपके थ्रेट होते हैं उनको काउंटर करने के लिए जो एरोसोल स्मोक ग्रेनेड होते हैं वो दिए जाते हैं। और इस तरह के जो आपके स्मोक ग्रेनेड होते हैं वो ATGM को ब्लाइंड कर देते हैं, मतलब उनके थ्रू जो ऑप्टिकल गाइडेंस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, क्योंकि स्मोक में बहुत सारे जो एरोसोल हैं वो दिए जाते हैं। तो इस तरह का जो काउंटर मेजर है वो लॉन्च कर सकते हो। प्रॉब्ली ये जो काउंटर मेजर है वो आपके नॉर्मल जो AFV है, मतलब आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, वहाँ पे भी दिए जाएंगे। काउंटर मेजर में एक और काम आप कर सकते हो कि एनिमी के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या फिर IR सिग्नल को जैम करने के लिए जो IR जैमर है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि एनमी के इस तरह के साइक्लॉस को जैम कर देंगे, मतलब सेमी एक्टिव कमांड लाइन ऑफ साइट। तो इस तरह के मिसाइल साइट को वो जैम कर देंगे, और ऐसे मेथड को आप बोल देते हो सॉफ्ट किल, मतलब आप जहां पे एनमी के मिसाइल को भटका रहे हो या फिर जैम कर रहे हो। इसी काउंटर मेजर में आता है हार्ड किल का मेथड, जो कि वाइडली आपके टैंक्स पे दिए जाते हैं। और हार्ड किल मेथड से किसी भी डायरेक्शन से आ रहे एनमी के जो प्रोजेक्टाइल हैं उनको आप ध्वस्त करते हो काउंटर लॉन्च करके। सपोज अगर उनका जो ATGM है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो जो ATGM आपके पास बढ़ रहा है तो वो ATGM कौन सी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है, उसके डायरेक्शन, एलिवेशन, डिस्टेंस, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको कैलकुलेट करनी है, और फिर एक सोल्यूशन तैयार करके जो फायर है वो करना है। तो यहाँ पर सारा दारमदार है वो आपके फायर कंट्रोल सिस्टम पे भी आ जाता है, जो कि इस तरह के थ्रेट को काउंटर करने के लिए सोल्यूशन तैयार करे। तो हार्ड किल ऐसा मेथड है जिसको अचीव करने के लिए जो एक्यूरेसी है वो आपको टॉप नॉच चाहिए होगी। और आमतौर पर जो भी आपके हार्ड किल मेथड होते हैं वो ATGM पे ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो ATGM की स्पीड होती है वो आपके FSA PDS राउंड के कंपैरिजन में कम होती है, तो वहाँ पे आपको रिएक्शन टाइम है वो मिल जाता है और फिर जो आपके हार्ड किल मेथड है वो इफेक्टिव वहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन APF SDS राउंड के अगेंस्ट इस तरह के जो मेथड होते हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है वो 2000 मीटर पर सेकंड तक पहुँचती है, तो वहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन टाइम है वो कम होता है और उनको इंटरसेप्ट करना उतना आसान नहीं होता है। तो उनके अगेंस्ट जो जैमिंग है वो प्रॉब्ली काम करे। तो कुछ इस प्रकार के एक्टिव और पैसिव प्रोटेक्शन सिस्टम होते हैं, जिसमें ज्यादातर जो पैसिव प्रोटेक्शन है वो आपके नॉन टैंक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल पे दिया जाएगा, जैसे कि लाइडर हो गया, मिसाइल वार्निंग सेंसर हो गया और स्मोक ग्रेनेड हो गए। तो इस तरह के जो सिस्टम है वो आपके नॉन टैंक जो AFV है उन पे दिए जाएंगे टैंक के लिए, स्पेशली T90 के लिए। जल्दी आपको जो टेंडर है, क्योंकि जो आपके T90 है उनके पास जो एडिशनल पावर है वो भी आने जा रही है, जो कि उनको APU देगा, क्योंकि आप इतना कुछ काम कर रहे हो EW को लेके, तो कहीं जो पावर का इन्वेस्टमेंट है वो भी ज्यादा होगा, तो APU की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पड़ेगी। ठीक वैसे ही आपके अर्जुन में भी जो APU हैं वो आ चुके हैं, जो कि वहाँ पे भी एक्टिव प्रोडक्शन लाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मुख्यतः दो तरह के जो APS हैं वो देखे जा रहे हैं, जैसे कि रफाल का ट्रॉफी सिस्टम हो गया और रशियन एरेना APS हो गया, तो ये दोनों भी प्रॉब्ली पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इजराइली ट्रॉफी APS है वो हमेशा से ही आपके कंटेंशन में रहा है, तो इसको भी एक चांस मिल सकता है, क्योंकि इसको लेकर जो इफेक्टिवनेस है वो प्रूवन है। तो अगर कोई देसी सिस्टम नहीं आता है इस तरह के टेंडर में, तो क्या पता प्रॉब्ली ट्रॉफी जैसे सिस्टम को ही इन टैंक्स पे लाया जाए। ट्रॉफी के 3 वेरिएंट है, एक 60 टन टैंक के लिए, 30T के लिए और 10T के लिए। तो जिस तरह का भी आपके आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल का वेट है उस तरह का जो APS है वो आप प्रिक्योर कर सकते हो। यहाँ पे ट्रॉफी की बात करते हो, इस सिस्टम में कई सारे जो रडार हैं जो कि आपके टैंक के चारों तरफ दिए जाएंगे, और जैसे ही वो कोई जो थ्रेट है वो डिटेक्ट करते हैं तो ये काउंटर मेजर के रूप में अपना जो स्पेशल हार्ड किल मेथड है वो लॉन्च करता है। और इस तरह के जो स्पेशल हार्ड किल मैकेनिज्म है जो कि डिप्लॉय करते हैं एक्सप्लोसिवली फॉर्म पेनिट्रेटर को, यानी कि EFP को। यहाँ पे EFP वो डिवाइस है जो कि आपको एक नॉर्मल शेप में दिखेगा, ड्रम की शेप में, लेकिन जैसे उसको आप फायर करते हो तो उसमें दिया गया जो लाइनर है वो बाहर निकल के एक पेनिट्रेटर का शेप ले लेता है, और वो पेनिट्रेटर जाके जो भी इनकमिंग एलिमेंट है उनको हिट करेगा। तो यहाँ पर जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो इस तरह की EFP का इस्तेमाल करके किसी एक पर्टिकुलर आ रहे इनकमिंग मिसाइल पे आप जो क्लस्टर एक्सप्लोसिव है वो फायर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो मल्टीपल एक्सप्लोसिव है वो निकल के जाएंगे आपकी तरफ से और इनकमिंग मिसाइल को घेर के स्ट्राइक करेंगे, मतलब इस जाल से जो भी दुश्मन की मिसाइल आपकी तरफ बढ़ रही है वो निकल नहीं पाएगी। तो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग सिस्टम है ये।
अगर कोई देसी सिस्टम नहीं आता है तो प्रॉब्ली ये भी वहाँ पे कम्पीट करेगा। तो कुछ इस तरह के आपके एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है, और कहीं ना कहीं जो लॉन्ग अवेटेड डिमांड थी कि हमारे आर्मर फाइटिंग व्हीकल पे प्रोटेक्शन और काउंटर मेजर दिया जाए, वो अप्रूव किया गया है जो भी कंडीशन चली है LAC पे उनको देखते हुए। यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो अप्रूवल दिया गया है DAC के द्वारा, ये इंडिजिनस सिस्टम के लिए दिया गया है। तो प्रॉब्ली हो सकता है कि कोई बाहरी APS को यहाँ पे टॉट मिल जाए किसी कंपनी को, या फिर जो DRDO का सिस्टम है जिसको DRDO के लिए TBRL बना रही थी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, उसका जो टॉट है वो किसी प्राइवेट प्लेयर को मिल जाए, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।